हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप साहब? अभी आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और फुल सिलेबस टेस्ट टेस्ट नंबर 46। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सिंह सर का जो कि एक उद्देश्य है, एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, और ये मिशन बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फिजिक्स के टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वर्नियर कैलिपर्स का है और क्वेश्चन में दिया है मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एज एन डिवीजन पर मीटर। तो क्वेश्चन में मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर दे रखा है, मेन स्केल डिवीजन देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना दे रखा है मेन स्केल में, एन डिवीजन पर मीटर है। इसका मतलब है यहाँ पर एन डिवीजन कितने मीटर में है, 1 मीटर में है। 1 मीटर में कितने डिवीजन है, एन डिवीजन। तो हमें कितने डिवीजन की वैल्यू चाहिए मेन की, 1 डिवीजन की वैल्यू। तो 1 डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा 1/N मीटर। ये हो गया हमारे किसकी, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। वन ईयर यहाँ पर देखो ध्यान से, एन डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल कोइंसाइडेड विद N-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पर वन ईयर स्केल डिवीजन जो है, वन ईयर स्केल डिवीजन में कितने डिवीजन है, एन डिवीजन, और ये एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड को ऐसे लिखेंगे, इक्वल कर दें, कितने डिवीजन है मेन स्केल के, N-1 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो मेन स्केल डिवीजन हमको क्या चाहिए, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाता है N-1/N, और मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर कितना है, 1/N। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये मेरा यहाँ पर लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। मेन स्केल डिवीजन हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है वैल्यू, 1/N मीटर। तो 1/N हो गया मीटर में, वन ईयर की वैल्यू रखेंगे माइनस करेंगे, और N-1/N कितना हो जाएगा, N×N, तो N² और ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो मीटर में आएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, N² ये हो गया N-N, और ये माइनस प्लस हो जाएगा +1, और ये आंसर किस में आएगा, मीटर में। -N+1 कट गया तो 1/N² मीटर हो जाएगा। तो 1/N² इसका आंसर होगा मीटर में। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 100/N², और ये वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला। तो जब भी क्वेश्चन में मेन लीस्ट काउंट पूछा जाए वन ईयर कैलिपर्स का, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर करेंगे और लीस्ट काउंट यहाँ से निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2s and 3 सेकेंड। तो 2 और 3 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालना है। हमको मालूम है कि यहाँ पर x², यहाँ पर वेलोसिटी अगर हम लोग लिखें तो v बराबर होता है dx/dt, dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं v dt, और अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू x = आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और टाइम के लिमिट रखना है 2 to 3। तो यहाँ v की इक्वेशन रख देते हैं, 2t + 6t² इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिमिट रखेंगे यहाँ पर 2 से 3 के लिए। चलो सॉल्व करते हैं, 2t का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा हमारा 2t² / 2 + 6t का हो जाएगा स्क्वायर का 3³, 6t³/3, और ठीक है ना, बस इतना डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पर लिमिट रखेंगे 2 से 3। सॉल्व करते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे रखेंगे t की जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस t का यहाँ क्यूब है तो ये 2 हो गया, 2 t का क्यूब यहाँ पर है, t की जगह पर 3 क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है। माइनस करेंगे, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट t², और t की जगह पर हम लोग रखेंगे 2 का पावर 2, 4 हो गया, और 2 की जगह पर यहाँ पर रखेंगे तो 2 प्लस का 2, t की जगह पर अब हम लोग रखेंगे 2, तो 2 का पावर 3 हो गया 8, ठीक है।
तो सॉल्व करते हैं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करें 22, यानी से ये हो गया हमारा 54 प्लस 9, ये हो गया 63। माइनस ये कितना हो जाएगा 8, पूजा 16 प्लस 4 20, तो 20 घटा देंगे 53, यानी 43 यूनिट आएगा। तो कुछ मिला के क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना हो, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में लिमिट रखेंगे और यहाँ से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग स्लोप देखते हैं। ए बराबर होता है डी बी बाई डी टी, यहाँ पर स्लोप देखेंगे। तो स्लोप पहले किसका देखेंगे, वन का। तो ए वन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा टेन, स्लोप होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल है 30, तो टेन 30 जो कि वैल्यू होता है 1/√3। चलो ए टू का वैल्यू देखेंगे, तो ए टू का वैल्यू हो जाएगा हमारा टेन, और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो टेन 45 ये वैल्यू हो जाएगा 1। और ए थ्री का वैल्यू चेक करें तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये 45 है, टोटल एंगल 90 होता है, ये हो जाएगा एंगल 15, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा टेन सिक्सटी का वैल्यू √3। रेशियो निकालना है ए वन ए टू ए थ्री का रेशियो, ए वन रेशियो ए टू रेशियो ए थ्री, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 1/√3 रेशियो 1 रेशियो √3। अगर √3 से ऊपर नीचे ऊपर में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 से ये हो जाएगा 1 रेशियो में, ये क्या हो जाएगा 1 रेशियो √3 रेशियो 3, तो आंसर हो जाएगा 4। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए प्रोजेक्टाइल हैज इनिशियली द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज इट एक्वायर्ड मूव फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 m/s² फॉर 30 सेकेंड। तो रेस्ट से स्टार्ट हो, यानी u बराबर 0 से, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v बराबर u प्लस at। तो ये v की वैल्यू, u 0 हो गया, a की वैल्यू 3, टाइम है 30, तो ये जो वेलोसिटी आई 30 सेकेंड में जो वेलोसिटी आई है वही हमारी कौन सी वेलोसिटी है, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो यही हमारी क्या है, u cos थीटा। तो क्वेश्चन में u cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, v के, और v की वैल्यू 90 आ गई। अब बताना है क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट रीच बाई इट इज 80 m, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है और देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा का वैल्यू निकालना है और टेन के फॉर्म में। तो हाइट का फॉर्मूला लिखेंगे h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है, ठीक है ना। अब चलो साइन थीटा तो मालूम नहीं, कॉस थीटा मालूम है, और टाइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहां से साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, ये लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे वैल्यू रखें, यू स्क्वायर को ऐसे रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। वैल्यू है h की, क्वेश्चन में गिवन है h, हमें दे रखा है कितना 80 m, तो इसको h की जगह पर 80 करेंगे। अब यहाँ पर 80 u स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू, u कॉस थीटा का वैल्यू 90, तो स्क्वायर करेंगे तो 90 × 90, टेन थीटा हमें नहीं मालूम है तो टेन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देते हैं। डिवाइड किससे करना है, 2g से, g का वैल्यू 10, तो एक जीरो से ये जीरो, यहाँ का एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 8 × 2 = 16 डिवाइडेड बाई 9 × 9 = 81, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया 4/9, तो टेन थीटा इक्वल टू 4/9, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/9, तो साइन इनवर्स 4/9 आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, एक स्टोन को हम लोग गिरा रहे हैं, पहले कितनी हाइट से ड्रॉप किया, u बराबर 0 से,
ये हमारा ग्राउंड है, कितनी हाइट है h। चलो यहां पर जब गिरेगा इट हिट द ग्राउंड एट अ सर्टेन मोमेंटम p, तो यहाँ का मोमेंटम इनिशियल हो गया p, p इनिशियल हो गया, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है इफ द सेम स्टोन इज ए ड्रॉप, उसी स्टोन को अगर हम लोग कहां से गिराएं, हाइट एच एक्स मोर देन द प्रीवियस हाइट, इस हाइट से एच एक्स हाइट ज्यादा, तो मान लेते हैं कहां से गिराया जाए, यहां से, और कितना ज्यादा हो गया, ये एच एक्स ज्यादा हो गया, एच एक्स ज्यादा हो गया, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये एच थी, तो एच से कितना ज्यादा हो गया, एच एक्स, तो टोटल हाइट हो गया एच प्लस एच, तो ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम। क्वेश्चन में बताना है अगर मोमेंटम व्हेन इट हिट द ग्राउंड चेंजेस बाय 100%, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल, ये वैल्यू कितनी हो गई 100%, यानी कि ये वैल्यू 100% हो गई चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू, ठीक है ना। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम होता है एम बी, तो यहाँ का मोमेंटम हो जाएगा फाइनल एम, और वी की वैल्यू यहाँ से अगर ड्रॉप किया जाए यू बराबर जीरो से, तो फाइनल यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी अंडर रूट टू जी, एच की जगह पर क्या हो जाएगा एच एक्स प्लस एच, तो एच एस प्लस एक्स इसका फाइनल मोमेंटम होगा, तो एम यहाँ पर लिखेंगे टू जी एच एक्स प्लस एच फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच, इसकी वेलोसिटी है तो मोमेंटम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा एम रूट टू जी एच, डिवाइड किससे करेंगे इनिशियल, जो कि कितना है एम रूट टू जी एच, ठीक है ना। ये 100% है तो इसका मतलब हो जाएगा 1, इसको परसेंटेज को बदल देंगे तो ये वैल्यू 100/100 मतलब 1 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, m से m कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, रूट टू जी कॉमन लेके रूट टू जी से यहाँ का m कैंसिल हो जाएगा, बचा ऊपर कितना रूट एच एक्स, रूट एच एक्स प्लस एच बराबर क्या आ गया हमारे पास, और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट एच बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट एच ऊपर चला गया, माइनस रूट एच, रूट एच मिलकर रूट टू एच, ये क्या हो जाएगा टू रूट एच, ये कितना हो जाएगा एच एक्स प्लस एच अंडर रूट में, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो एच एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा फोर एच, ठीक है ना। एच इसमें बाहर इधर आके माइनस हो जाएगा तो थ्री एच बराबर हो जाएगा एच एक्स, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर आंसर आ जाएगा 3, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन यानी तीसरा थर्ड आंसर हो जाएगा, आंसर इसमें 3 आएगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम हिट ए वॉल एट एंगल ऑफ 45, एक बॉडी जो कि वॉल से कितने एंगल से टकरा रही है, वॉल से ये एंगल है 45, तो ये एंगल क्वेश्चन में दे रखा है 45, और रिटर्न एट द सेम एंगल विद वेलोसिटी 10, ये 5 किलोग्राम है m, ये हो गया हमारा v, इसी एंगल से टकरा के इसी से लौटेगा, तो बताना फोर्स की वैल्यू अगर 250 √2 हो तो हमें बताना है इम्पैक्ट टाइम क्या होगा। तो पहले तो हम लोग फोर्स लिखेंगे, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मोमेंटम देखो एंगल अगर इधर दिया हो नॉर्मल से तो यह एंगल आएगा, तो मोमेंटम आएगा 2mb cos थीटा डिवाइडेड बाई टाइम यहाँ पर टी। देखो इधर मोमेंटम हमेशा जो फोर्स होता है वो वॉल के परपेंडिकुलर वाला जो मोमेंटम होगा वही यहाँ पर लेना है, तो वॉल के परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये mu है mb है, तो इसका कंपोनेंट इधर करेंगे तो ये आ जाएगा mb cos 45, है ना, तो ये इधर कास आएगा तो इधर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। टी का वैल्यू निकालना है तो टी बराबर हो गया 2, मास क्वेश्चन में गिवन है 5, वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है सेम 10, कॉस 30 की वैल्यू क्वेश्चन में होती है √3/2 डिवाइडेड बाई एफ, एफ की वैल्यू 250 √2 है, सॉल्व करते हैं यहाँ से, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 से इसको काट देते हैं, 0 से पहले इसको काट देते हैं, 2 से ये काट देते हैं 2, 5 से ये कट जाएगा 5, तो ये हो गया टी इज इक्वल टू √3 2, मास की जगह पर m है कितना, मास 5, v की वैल्यू 10,
कॉस, अच्छा 45 है, एंगल गड़बड़ लिख दिया था, एंगल 45, ये 45 है भाई, कॉस 45 यहाँ रखना है। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, तो ये रूट टू हो गया, ठीक है ना। रूट टू मिल के ये कट जाएगा 2 से, तो 2 से कट गया, 0 से ये कट गया, 5 से 1/5 आ गया, तो 1/5, तो इसका मतलब हो गया 0.2, तो 0.2 सेकेंड इसका आंसर होगा, पहला आंसर सही होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 2 mb cos 45/t, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। क्वेश्चन नंबर 7, ए मास ऑफ 1 kg इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी ऑफ 100 m/s आफ्टर 5 सेकेंड इट इज फ्लोट। देखो एक मास है 1 kg का, ये ऊपर की ओर जा रहा है, 1 kg का मास ऊपर की ओर जा रहा है, वेलोसिटी कितना है 100 m/s, अब आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद मान लो यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पर ये एक्सप्लोड होगा यहाँ पर, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो बी बराबर u - gt, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है लिखेंगे, u की वैल्यू 100 - 10, t की वैल्यू 5, 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 m/s। तो यहाँ पर जब एक्सप्लोड होगा, जब हाईएस्ट पॉइंट पे ये एक्सप्लोड होगा, तो यहाँ पर देखो भाई क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी यहाँ पर हो गई, मास हो गया 1 kg, 1, वेलोसिटी ऊपर की ओर है कितना 50, तो इसको लिखेंगे 1 × 50 J, ये हो गया। एक्सप्लोड हुआ कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, एक का मास है 600 g, मतलब 0.6, ये ऊपर की ओर जा रहा है मतलब कि J लिखेंगे, प्लस दूसरा मास कितने का रह जाएगा 0.4 का, टोटल मास 1 है, एक पार्ट है 600 g, तो दूसरा होगा 400, और वेलोसिटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, अच्छा वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर 0.6, और वेलोसिटी कितना है यहाँ पर 100, डायरेक्शन किधर है अपवर्ड, दूसरे वाले का मास हो जाएगा 0.4, उसकी वेलोसिटी निकालना है, तो इसको भी लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिए। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 50 J, ये हो गया हमारा 40 J, माइनस हो जाएगा, तो 50 J में से 60 J माइनस हो जाएगा, तो माइनस टेन जे बराबर हो गया 0.4 V, तो V बराबर हो जाएगा माइनस का, या इसको ऐसे लिखेंगे 10/0.4, डायरेक्शन किधर लेना है माइनस का J में, तो ये हो जाएगा 100/4 यानी 25, डायरेक्शन में अगर पूछा जाता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता, तो माइनस यहाँ पर आंसर हो जाएगा 25, और डायरेक्शन अगर पूछा जाता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी माइनस J में आंसर लिखना पड़ता, तो 25 - J आंसर आता। तो ऐसे एक्सप्लोजन के क्वेश्चन जरूर इंट में आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, और m1 v1 = m2 v2, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले का मोमेंटम, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले का मोमेंटम बराबर एक्सप्लोजन के जस्ट बाद का मोमेंटम, तो जस्ट पहले और जस्ट बाद का मोमेंटम देखना है, यहां पर मत लगा देना, यहां पर एक्सप्लोड नहीं हुआ, 5 सेकंड बाद हुआ, तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी घट जाएगी, जो कि पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 50, तो 50 पे वो जो है एक्सप्लोड होगा, तो यहाँ की वेलोसिटी लेंगे और मास 1 लेंगे, और एक्सप्लोड किया कितने पार्ट में, 2, और यहाँ पर हम लोग IJ करके वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 40 विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 अबव सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ कार बाय द लाइट वायर। तो अगर कार जो है सर्कुलर मोशन में घूमे, और इसमें यहाँ पर क्या हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर देखें, तो ये कितना होता है v² / r, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा बराबर होता है v² / rg। क्वेश्चन में एंगल दे रखा है कितना, एंगल निकालना है, चलो v² की वैल्यू रखें, v² क्वेश्चन में 20 है, स्क्वायर करेंगे तो 20 × 20, क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू कितना दे रखा है 40, और g की वैल्यू होता है 10, 0 से 0, 0 से 0, 4/4 यानी 1, टेन थीटा बराबर 45, 1, तो थीटा बराबर 45, तो एंगल जो आएगा वो 45 डिग्री आएगा, आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया R1, ये हो गया R2, व्हेन ए फोर्स, अब ये फोर्स है तो वर्क डन होता है फोर्स F.S, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू 4i + 3j है, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट का साथ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें यहाँ पर s, s बराबर हो गया R2 वेक्टर - R1 वेक्टर, R2 वेक्टर कितना है,
सेवन आई, सेवन आई में से माइनस फाइव आई गया, तो सेवन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व आई। यहाँ पर देखो, यहाँ सिक्स, यहाँ पर जीरो जे है, तो यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का एट जे आएगा, यहाँ पर प्लस का सिक्स के है, उधर जीरो है, तो ये आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया, यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्वेल्व आई माइनस एट जे प्लस सिक्स के। चलो सॉल्व करते हैं, तो ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व आई, आई से आई का आई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फोर का ट्वेल्व से 48 हो गया, ठीक है ना। प्लस थ्री जे का माइनस करेंगे तो माइनस का 24 हो गया, और के इधर नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48 माइनस 24 प्लस जीरो, तो 48 में से 24 गया तो 24 ही बचेगा, तो 24 जूल इसका राइट आंसर 4 होगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10, अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 4 सेंटीमीटर इज यू। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जब 4 सेंटीमीटर खींचा गया तो ये वैल्यू हो गया यू प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। पहले 4 सेंटीमीटर खींचा गया तो यू है, अब इसको 16 सेंटीमीटर खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एन यू हो गया, यानी कि अगर हम लोग रेशियो बनाए, ये यू टू अपान यू वन, ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 16/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 से कट जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो 16। यू टू की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एन यू, यू टू की जगह पर एन यू, इनिशियल है यू बराबर 16, यू से यू कट गया, एन का वैल्यू आ गया 16। क्वेश्चन में क्या निकालना है, 1/√n, एन का 1/√n का मतलब हुआ 1/√16, 1/√16 का मतलब 1/4, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/4, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 227, इट इमिट एनर्जी एट ए रेट, तो एनर्जी इमिशन, रेट ऑफ एनर्जी इमिशन ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4। स्टीफेंस, हम लोग यहाँ पर स्टीफेंस रिलेशन याद करें, स्टीफेंस लॉ याद करते हैं, तो यहाँ पर टी की वैल्यू 227 है, तो टी को केल्विन में रखना होता है, 227 डिग्री को केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 500, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ई का जो वैल्यू होगा, ई प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, 500 का पावर 4, ई की पावर, ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, स्टीफेंस कॉन्स्टेंट, यहाँ पर स्टीफेंस लॉ लगेगा तो आंसर 4 होगा, थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज गामा, हमें क्वेश्चन में निकालना है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है कोई भी प्रोसेस हो, एन सी वी डेल्टा टी से लगाते हैं, एन ऐसे रहें दो, सी वी की वैल्यू आर अपान गामा माइनस वन होती है, तो हम लोग पढ़ते हैं पी वी बराबर एन आर टी, तो एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, पी इंटू डेल्टा वी और गामा माइनस वन, पी इंटू डेल्टा वी, वी की वैल्यू कितनी है, वी से थ्री वी, तो पी ऐसे रहें दो कॉन्स्टेंट, डेल्टा वी चेंज कितने का हो जाएगा, वी से थ्री वी में टू वी का, अपान क्या लिखोगे, गामा माइनस वन, तो टू पी वी गामा माइनस वन आंसर नंबर सेकेंड। यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखा है, एंगुलर पोजीशन की वैल्यू थीटा इक्वल टू टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर प्लस वन। टार्क बताना है, व्हेन टार्क विल बिकम जीरो, टार्क कब जीरो होगा, टार्क, टार्क का फार्मूला आई क्रॉस आई अल्फा होता है, अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाए तो टार्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो अल्फा निकालने के लिए पहले थीटा से ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थ्री टी स्क्वायर, टी का क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस जीरो, ठीक है ना, ये ओमेगा आ गया, अल्फा निकालेंगे तो अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, तो यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 6t माइनस 12, तो बताओ भाई अल्फा की वैल्यू जीरो कर दें, टार्क जीरो चाहिए तो अल्फा जीरो कर दें, तो देख लेते हैं किस टाइम पे अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, तो टी इज्क्वल टू कितने टाइम पे, टी इज्क्वल टू 2 सेकेंड,
अल्फा की वैल्यू 2 सेकंड पे 0 हो जाएगी, टार्क की वैल्यू उसी टाइम पे टार्क भी 0 होगा, क्योंकि अल्फा जिस टाइम पे 0 होगा, अगर अल्फा 0 तो टार्क 0, तो टी बराबर 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल जिसका रेडियस आर है, तो सर्कल का अगर रेडियस आर हो और करंट इसमें आई हो, तो अगर फील्ड का फार्मूला लिखते हैं तो फील्ड होता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π2πi/r। तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी देखें तो एक का रेड सब कुछ सेम है, तो बी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर हम लोग रेशियो निकालें तो b1/b2 बराबर r2/r1 हो जाएगा। r2 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 3r, और रेडियस पहले का r है तो आंसर हो जाएगा 3। तो आंसर देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है b1/b2, क्योंकि रेडियस इसमें एक का r है दूसरे का 3r है। क्वेश्चन नंबर 15, लॉन्ग सोलेनाइड, देखो सोलेनाइड का सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन साइड जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो म्यू नॉट की वैल्यू रख दें, म्यू नॉट होता है 4π×10⁻¹। नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर दे रखा है, इसको स्मॉल एन लिखेंगे लेकिन ये मीटर में रखना चाहिए, तो 200 पर सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो -2 नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर करंट की वैल्यू 2.5 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻², ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो दो जीरो है एक यहाँ पर कट जाएगा और ये 2 बन जाएगा, यानी कि 2 5 हो जाएगा, 5×4 20, और 6 3 से करेंगे यानी 6.28 आ जाएगा ये, और पावर में कितना आ जाएगा, 4 7 में से घटेगा तो 10⁻², बचेगा 10⁻². ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो पावर आ रहा है ये आएगा, वैल्यू चेक कर लेते हैं, वैल्यू पावर में म्यू नॉट की देखो म्यू नॉट अपॉन 4π होता है 10⁻²। तो ये -7, ये 10⁻², ये ऊपर जाके प्लस का ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 6.28, आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, डायोड है यहाँ पर XY D1 D2, नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है, ये नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है, एक आइडियल होता है एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब इसका जो हमारा बैक ईएमएफ होगा, यानी कि यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल ये कितना होता है 0.7, सिलिकॉन के लिए कितना होता है, तो D1 की वैल्यू 0.7 करेंगे, D2 का भी वैल्यू 0.7 करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें करंट जाएगी नहीं, रिवर्स बायसिंग में है तो इसमें करंट जाएगी, तो क्वेश्चन में हमको निकालना है क्वेश्चन में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, और वोल्टेज की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5 वोल्ट, तो 5 अपान क्या हो जाएगा, ये 0.7 घट जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे, रेजिस्टेंस है 10, तो 5.5 -7, तो 5 -0.7 हो गया हमारा 4.3 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.43। ध्यान रखेंगे अगर आइडियल होता तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू 0 रखते तब आंसर आता 0.5, अगर आइडियल होता तो आंसर इफ क्या लिखते हैं, सिलिकॉन डायोड इफ आइडियल डायोड, इफ आइडियल डायोड होता तो ये लगाते, ठीक है ना, आइडियल डायोड होता तो हम लोग आंसर सेकंड लगाते तो 5/10 करते, लेकिन चूंकि ये नॉर्मल डायोड है तो नॉर्मल डायोड में जो बैक पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7, तो आंसर वहां पर 5 में से 0.7 घट जाएगा। 17, व्हेन टू बोर्ड्स सेल पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन एंड क्लोज टू ईच अदर दे आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दो जो है नाव पैरेलल में चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो अगर उनको हम लोग बहाव में चलाएं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींच जाती हैं, क्यों खींचती हैं, ड्यू टू विस्कस फोर्स, क्या होता है, ड्यू टू विस्कस फोर्स। अब इन्होंने बोला है द विस्कस ड्रैग ऑन स्फीयर बॉडी मूविंग विद स्पीड v प्रोपोर्शनल टू f, तो अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है उस पर विस्कस फोर्स यानी स्ट्रोक्स ला f बराबर 6π eta rv के बराबर होता है, तो यानी कि f जो है वो v के प्रोपोर्शनल होता है, ये बात सही है, तो स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। यहाँ पर जो पुल्ड होता है वो ड्यू टू विस्कस फोर्स होता है,
और यहाँ पर विस्कस फोर्स की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, वी पे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो एक्सप्लेन जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वाटर फ्लो इन ए स्ट्रीम लाइन मैनर थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस रेडियस ए, द प्रेशर डिफरेंस बीइंग पी एंड द रेट ऑफ फ्लो क्यू। इफ द रेडियस इज रिड्यूस टू ए बाई टू एंड प्रेशर इंक्रीज बाई टू पी, द रेट ऑफ फ्लो। अब देखो, रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए ये एनसीईआरटी में अब हट गया है, पहले के क्वेश्चन में आता था, इसको बोलते थे पॉइज़ली, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइज़ली इक्वेशन या पॉइज़ली फार्मूला। तो पॉइज़ली फार्मूला, ये पॉइज़ली फार्मूला होता है, और ये फार्मूला क्या था कि रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पी आर की पावर फोर, पी आर की पावर फोर ईटा एल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब तो एक लेते हैं, यहाँ प्रेशर और रेडियस के फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर प्रेशर को डबल कर दें तो रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, तो क्यू डैश अपान क्यू बराबर लिखेंगे पी डैश अपान पी, और रेडियस के टर्म में आर डैश का पावर फोर अपान आर का पावर फोर। चलो फाइनल फाइनल प्रेशर क्या हो गया, टू पी। प्रेशर पहले कितना था, प्रेशर डिफरेंस पी था, पहले पी था और बाद में प्रेशर इंक्रीज बाय टू पी, तो प्रेशर को टू पी बढ़ा दिया गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा टू पी बाई पी, और रेडियस यहां पर क्या हो जाएगा, फाइनल रेडियस ए बाई टू हो गया, रेडियस घट के ए बाई टू हो गया, तो ए बाई टू शुरू में कितना था ए, इसका पावर क्या करना फोर, पी से पी कट गया, ये ए हो गया, ए से कट गया, वन बाई टू का पावर फोर, तो वन बाई सिक्सटीन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा टू बाई सिक्सटीन, तो ये हो जाएगा क्यू टू का वैल्यू, तो क्यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा टू बाई सिक्सटीन क्यू, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई एट, तो आंसर आ जाएगा क्यू बाई एट, ठीक। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास 9m, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर है, जिसका मास कितना है 9m है, इसमें से कट कर रहे हैं एक स्मॉल डिस्क, जिसका एक स्मॉल डिस्क को यहां से कट करेंगे, जिसका मास ये हो गया हमारा स्मॉल डिस्क, इसका मास है m और इसका रेडियस कितना है r बाई थ्री, इसको कट करके यहां से कट करके क्या करना है निकाल दिया गया, निकाल देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं पर निकालना है, तो अगर कट हटा दिया गया तो बचे हुए पार्ट को बोलेंगे रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या लिखते हैं टोटल, यानी कि पहले जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस का जो कट कर दिया गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, टोटल क्या था पहले जब डिस्क नहीं कटी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, एम की जगह 9m लिखेंगे, आर की जगह पर आर स्क्वायर, माइनस जो कट पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिस्क है, डिस्क का मोमेंट इनर्शिया हाफ एम की वैल्यू एम, और रेडियस की जगह पर हो जाएगा आर बाई थ्री, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 9981 एम आर स्क्वायर, माइनस का ये करेंगे 18, तो ये हो जाएगा माइनस का एम आर स्क्वायर, तो 80/18, तो 80/18 एम आर स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे दो से काट दें तो 40/9 एम आर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, तो 40/9 एम आर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, हमको डायमेंशन निकालनी किसकी, ए सी बाई वी की डायमेंशन क्या होगी, चलो देखें ध्यान से, यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में जितने भी डायमेंशन के अगर कॉन्सेप्ट मालूम है, प्लस साइन को हटा देना है, प्लस को हटा के क्या लगाना है इक्वल, तो जितने भी प्लस दिख रहे हैं उनको हटा दो, क्योंकि प्लेनर ऑफ होमोजेनाइटी में क्या होता है कि वही वैल्यू जोड़ी या घटाई जाती है जो जिनकी डायमेंशन सेम हो, तो टी बराबर सी, यहाँ से आप देख लो ध्यान से,
अगर हम लोग ए को लिखें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई टी, ठीक है ना। सी को अगर हम लोग देखें तो सी किसके बराबर है, सी जो है टी के बराबर है। और यहां पर जो है वी को अगर देखा जाए तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी बराबर हो जाएगा वी इंटू टी। बस यहां पे रख देते हैं, ए की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, बी बाई टी, सी की जगह पर क्या रखेंगे, टी, और बी की जगह पर क्या रखेंगे, वी टी। तो वी से टी से वी से टी कट गया, वन अपॉन टी, टी की पावर माइनस वन, तो टी के पावर माइनस वन पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला करते हैं 21। वाटर इज ए फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए टैप, मान लेते हैं ये टैप है और टैप से जो है पानी वो इसका डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर यहाँ पर है डी वन, ये है 8 × 10⁻³ मीटर। यहाँ से जो वाटर गिर रहा है उसकी वेलोसिटी दे रखा है 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या हो गई, यू वन। द डायमीटर ऑफ वाटर स्ट्रीम एट द डिस्टेंस 2 × 10⁻¹ मीटर बिलो द टैप। अब अगर मान लें इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पूछा जाए कितनी दूरी पे, 2 × 10⁻¹ मीटर नीचे, तो ये हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ पर इसका हमको बताना है डायमीटर क्या होगा, डी टू। तो देखो हम लोग को मालूम है ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू। ए वन की वैल्यू क्वेश्चन में लिख सकते हैं, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, आर को डायमीटर के टर्म में लिखें तो डी वन बाई टू स्क्वायर हो गया, इंटू वेलोसिटी यहाँ पर कितना है 0.4 बराबर। ए टू की वैल्यू लिखेंगे पाई डी टू बाई टू का स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। अच्छा यहाँ की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये हमारी है बी वन, तो यहाँ की वेलोसिटी होगा बी टू बराबर क्या लिखेंगे, बी टू का स्क्वायर बराबर यू टू का स्क्वायर, यू टू प्लस टू जी एच। तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u2 टू प्लस बी बराबर यू प्लस जी सी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो u बी वन का स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये हो जाएगा हमारा v2। वैल्यू रख देते हैं, बी वन की जगह पर अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16, स्क्वायर करेंगे तो ये 0.16 प्लस टू, जी की जगह पर 10, हाइट की जगह पर क्या रखोगे 2 × 10⁻¹, और ये वैल्यू अंडर रूट में आएगी। तो अगर 0.2 हो जाएगा, 10 से करेंगे 2, 4, 4, ये हो गया अंडर रूट 4.16, अंडर रूट 4.16 को हम लोग 2.03 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, डी की जगह पर हम लोग डायमीटर है हमारा 8 × 10⁻³, नीचे कितने से डिवाइड करना है 2 से, इसका स्क्वायर भी करना है, 0.4 भी लगाना है, यहाँ पर हमको निकालना है डायमीटर डी टू का स्क्वायर बाई 4 इंटू यहाँ पर वेलोसिटी रखेंगे, और वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों ने 2.03 रखा है, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कैलकुलेट करने पे आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आंसर हम बता दे रहे हैं आपको 21 में जो आंसर आ रहा है वो सेकेंड ऑप्शन आएगा 3.6 × 10⁻³। तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू, लेकिन तुम्हें वेलोसिटी नहीं मालूम है तो पहले वेलोसिटी निकालना होगा। तो वाटर जो है 0.4 से अगर कितनी हाइट आए 2 × 10⁻¹, तो वेलोसिटी की वैल्यू ये हो जाएगी, तो वेलोसिटी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, बाइंडिंग एनर्जी, तो एनर्जी कितनी रिलीज होती है, क्यू, तो प्रोडक्ट माइनस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी किसके लिखे लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए। चलो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है क्वेश्चन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, तो इधर प्रोडक्ट क्या, ए जो है वो ए और बी प्रोडक्ट है, तो ए में कितने न्यूक्लियन है 110, और एक एनर्जी की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ए के लिए दे रखा है 8.2, तो 8.2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये इसका लिखेंगे किसका, बी का, बी में कितने न्यूक्लियन है 90, और एक न्यूक्लियन की वैल्यू कितना है बी में 8.2, माइनस करेंगे, और यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है वो है एक्स, एक्स में कितने न्यूक्लियन है 200, और एक न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो है 7.4,
इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल इज 60। अब यहाँ पर देखो कम्प्लीटली पोलराइज है, यानी कि ये जो इंसिडेंट एंगल है वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, और अगर म्यू की वैल्यू देखें तो 10 एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर होता है। तो म्यू की वैल्यू 10 थीटा, थीटा 60 है तो 10 60, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री। तो म्यू की वैल्यू रूट थ्री हो गई। म्यू क्या होता है भाई, म्यू हमारा होता है, म्यू बराबर होता है वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। चलो हमें मीडियम में वेलोसिटी बताना है तो सी अपॉन म्यू करेंगे। सी की वैल्यू 3 × 10^8, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू रूट थ्री रखेंगे तो आंसर आ जाएगा रूट थ्री इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड। 24 देखते हैं, इन अ सेमी कंडक्टर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 × 10^14, जबकि यहाँ पर होल का कितना है, 5 × 10^12। तो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ होल। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर हो जाएगा। आंसर होगा सेकेंड। 25, करेक्ट कर्व बिटवीन रिफ्ट फ्रिंज विड्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन द डी। तो फ्रिंज विड्थ बराबर होता है बी बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d, जहाँ पर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जहाँ पर डी क्या है, ये है फ्रिंज विड्थ स्लिट की दूरी। तो अगर हम लोग बी की प्रोपोर्शनलिटी देखें तो 1/d है, तो ग्राफ बी और डी के बीच में रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा। आंसर होगा सेकेंड। तो ये आंसर बन जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, तो ये था आज का टेस्ट का फिजिक्स का पार्ट 1 से 25। इसके आगे आपको आरडी सर कराएंगे। थैंक यू सो मच। तो जय हिंद बच्चों, अभी आप देख रहे हैं कि आज का जो FST 46 है उसका सॉल्यूशन डिटेल डिस्कशन अभी वसीम सर ने आपको 1 से 25 तक के किए हैं। नाउ आई विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 26। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। पेपर आज के बहुत इजी था, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस नए लगेंगे तो हम लोग बहुत ही आराम से करेंगे। तो ये देखिए, ये एक लॉजिक गेट है, लॉजिक सर्किट है, और इक्विवेलेंट 2 कर रहे हैं। तो देखिए ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है, ये भी नॉट है, तो ये ए आएगा तो इधर ए बार आ जाएगा और ये बी बार हो जाएगा। तो ये एक नॉर गेट है और ये फिर नॉट गेट है। तो आर गेट में जब जाएंगे तो आर गेट क्या होता है, आर गेट के इनपुट कौन से हैं, ए बार और बी बार। तो ये लीजिए ए बार और ये लीजिए बी बार, इन दोनों को जोड़ दिया और इसका होल बार कर देंगे। क्यों होल बार कर देंगे, क्योंकि ये नॉर है, आर नहीं है। और फिर इसके आगे फिर नॉट गेट है तो ये इसको भी हटा देंगे। तो अब ये डबल बार हो गया ना, तो ये हट गया। तो आप इसमें डिमाइवर्स लगा दीजिए। तो अगर हम इसको देखें, तो ए बार प्लस बी बार, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, और ये बार है, बार तो हट जाएगा और ये ऊपर वाला बार बचा रहेगा। तो ये हमारे पास नैंड गेट हो गया है, ये नैंड गेट हो गया है। इसका आंसर 4 वाला आंसर है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये बूलियन अलजेब्रा हमें नहीं समझ में आती है, तो हमें सिंपल वे से बताइए, अगर ये ना लगाएं तो कैसे किया जाए। तो बच्चों ये अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी एक बताता हूँ, वो भी सीख लीजिए, कभी कभी काम में आएगा। आप एक ट्रुथ टेबल बना लीजिए ऐसे,
ये ए है, ये बी है, तो 0 0, 1 0, 0 1, 1 1। अब हम चेक करते हैं, सपोज ये दोनों 0 0 हैं, तो ये नॉट गेट क्या हो जाएगा, इसको मैं नॉट गेट है तो ये 1 1 हो जाएगा। अब ये नॉर गेट है तो नॉर गेट में 1 1 का 0 आएगा, और फिर 0 को उल्टेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 0 0 पे 1 आ रहा है। अब हम दूसरा लेते हैं, 1 0 लेते हैं। अच्छा, 1 0 और 0 1 एक ही से काम चल जाएगा, क्योंकि ये 0 है ये 1 है, या ये 1 है ये 0 है, तो रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो मैं कलर बदल देता हूँ, सपोज ये 1 है और ये 0 है, तो अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये आर गेट है तो 0 और 1 का 1 होगा, और 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, तो 0 का उल्टा भी ये 1 हो गया, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। सिमिलरली ये भी 1 आएगा, और अगर 1 1 आता है तो एक बार 1 1 भी देख लीजिए, तो अगर ये 1 है ये 1 है तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा, और 0 0 का ये 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया। अब अगर आप इस ट्रुथ टेबल को कंपेयर करें, तो अगर ये एंड गेट होता तो ये 0 होता, ये 0 होता, ये 0 होता, ये 1 होता, ये उसका उल्टा आ रहा है बिल्कुल, यानी ये नैंड गेट है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ये, जैसे हम लोग कर देते हैं, डिमॉर्गन्स लगा दी और फिर इस तरीके से सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। यू कैन डू इट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, आप इनपुट 0 0 1 0 0 0 करके चेक कर लीजिए, और फिर इस लॉजिक गेट से, ट्रुथ टेबल से पहचान लीजिए। तो ये है, अगर अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो यू कैन डू इट इन दिस मैनर आल्सो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये देखो एक थ्योरी का क्वेश्चन है ना, ये फ्लक्स है, फाई इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कॉइल, तो फाई इज द फ्लक्स, ओके, और ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब देखिए, ये मेरे पास ईएमएफ है और ये फ्लक्स है, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लक्स बराबर ले लिया हमने, ए साइन टी ले लिया, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस ए कॉस टी, डिफरेंशिएट कर दिया इसको। अब देखो, अगर टी बराबर 0 पे लोगे, सपोज ये टी बराबर 0 है, तो फ्लक्स 0 आ जाएगा, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू -1 -a आ जाएगी, तो फाई 0 है लेकिन a 0 नहीं है, तो फाई 0 है और e 0 नहीं है, तो ये सेकेंड की पॉसिबिलिटी आ गई। और अगर आप मान लीजिए कि हमारे पास कोई, सपोज टी बराबर पाई बाई 2 ले लें, तो फाई बराबर ए आ जाएगा और ई बराबर 0 आ जाएगा, तो फाई नॉन 0 है और ई 0 है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अब आप टी की कुछ और वैल्यू ले लीजिए, पाई बाई 4 ले लीजिए, तो दोनों नॉन जीरो रहेंगे, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये भी ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि फ्लक्स मेरा ए साइन टी ही हो, फ्लक्स कुछ और भी हो सकता है। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसलिए इसके चारों आंसर सही हैं। एक्चुअली दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, एक फाई है एक ई है, और अकॉर्डिंग टू दी फाई किस तरीके से टाइम पर डिपेंड कर रहा है, किसी भी समय पे ये 0 हो सकता है तो ये भी 0 हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लगभग सबका ये सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव रहते हैं। ये क्वेश्चन
आप जरा आंसर बताइए, पॉज कर दीजिए वीडियो और आंसर बताइए, मैं इसको रीड करता हूँ जरा। ये है आंसर, ए प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न्स। तो पहले हम एनपी लिख देते हैं, एनपी इज इक्वल टू 200 और एनएस इज इक्वल टू 2000, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग पूछा गया है 1 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस वन टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल पूछा है। तो हम जानते हैं ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP, ट्रांसफार्मर का वेरी फेमस इक्वेशन है, और यहां से इसको लिख सकते हैं ES अपॉन NS बराबर EP अपॉन NP। एंड प्लीज नोट दैट पोटेंशियल डिफरेंस वन टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज 1 वोल्ट है, यानी EP बराबर 1 नहीं है, EP अपॉन NP बराबर 1 है। तो EP अपॉन NP 1 वोल्ट है, और ES अपॉन NS भी 1 वोल्ट होगा, और ये पूछा भी ES नहीं पूछ रहा, अगर ES पूछता तो 1 × 2000 कर देते, लेकिन ये ES अपॉन NS पूछ रहा है, वो भी 1 वोल्ट होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, जिसका आंसर 1 होगा, भाई बहुत सारे बच्चों ने इसको नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे कर दिया होगा, तो वो नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और देखिए, थोड़ा आप लोग तिल मिलाएंगे हो सकता है, क्योंकि इसमें एक टर्म आ गया है एक्सरेज, और आप लोग ये चिल्लाएंगे कि एक्सरेज तो सर हट गया है, कोर्स में नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो इस क्वेश्चन में एक्सरे लिखा जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन का एक्सरे से कोई लेना देना नहीं है, खाली नाम है, और ये आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें एक्सरे की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी सिवाय इसके कि एक्सरे का नाम है। तो इसको, और दूसरी चीज एक और भी बताएं तुम्हें, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट ईयर भी एक्सरे कोर्स में नहीं थी, एक्सरे बहुत दिनों से कोर्स में नहीं है, लेकिन ये लास्ट ईयर एक एक्सरे का क्वेश्चन आया भी था। खैर कोई बात नहीं, देखिए क्या करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन या कोई भी लाइन हो, लाइमन सीरीज, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज 911 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, और 1/N2² - 1/N1² ये फॉर्मूला होता है। और लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन का मतलब है, पहली लाइन होगी 2 to 1, तीस दूसरी लाइन होगी 3 to 1, फिर लास्ट वाली ∞ to 1, तो ये कुछ है, और इसकी वेवलेंथ दी गई है 911। तो मैं यूनिट यूनिट के चक्कर में नहीं लिखता हूँ, ये 911 लिख दिया, आर को प्रॉपर यूनिट में ले लेंगे, और हाइड्रोजन एटम के लिए 1² ले लेंगे, और इस वैल्यू को भी वही लिख लेंगे, N2² 1/ और 1/N1² अब कहते हैं कि आप हाइड्रोजन ना लीजिए, कोई दूसरा हाइड्रोजन लाइक आयन लीजिए, और उसका एटॉमिक नंबर कितना हो कि वो एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ 0.7 एंगस्ट्रॉम हो जाए। तो एक्सरे का बस यही यूज है कि उसकी वेवलेंथ 0.7 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, और ये आर वही रहेगा, जेड मान लीजिए जेड स्क्वायर है, और ये उसी ट्रांजिशन से, पहले एक ट्रांजिशन था उसमें वेवलेंथ इतनी मिल रही थी दैट फॉर हाइड्रोजन एटम, और ये दूसरा कोई एलिमेंट लेके सेम ट्रांजिशन कराएंगे, बट आई वांट वेवलेंथ 0.7 एंगस्ट्रॉम। अब इसको कैसे किया जाए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1/911 ये नीचे आएगा, और ये 0.7 ऊपर जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ये पूरा टर्म कट जाएगा,
ये 1/z² आ जाएगा, तो z² इज इक्वल टू 911/0.7। तो अब इसको भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, 911/0/7, 7 से डिवाइड करिए, ये z² आ रहा है, तो 7 × 7 जाएगा, 2 आ गया, 13। फिर 0, 1, तो ये मेरे पास z² की वैल्यू आ रही है। और इससे जब हम लोग z निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट, z² बराबर है 1301। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेट कर देता हूँ। मुझे 1301 का स्क्वायर रूट लेना है, तो और इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 36.06 करीब करके आ रहा है, तो नियरेस्ट इज 37। तो ये थी मेरी कैलकुलेशन, और आपने देखा कि इसमें एक्सरे का कोई वास्ता नहीं था, सिर्फ बस मुझे ये पता करना था कि अगर हाइड्रोजन के साथ किसी ट्रांजिशन में वेवलेंथ इतनी है तो किस एलिमेंट में, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछा गया है, उसी ट्रांजिशन में वेवलेंथ 0.7 एंगस्ट्रॉम होगी। तो सो दिस वॉज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, NC NEET न्यू लाइट आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपके सिलेबस में ना हो। हालांकि NTA ने और नीट के अपने प्रॉपर पेपर में ये सीमा रेखा तोड़ दी है। लास्ट ईयर जो नीट का पेपर था उसमें एक्सरे का क्वेश्चन आया था, और इस बार जो अभी JEE के पेपर आए हैं उसमें भी रोलिंग और ये सब जो टॉपिक बाहर के हैं उन्होंने पूछ रखे हैं। तो भाई NTA को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, समर्थ को नहीं कोई दोष गुसाई, बट वी आर लिमिटेड टू आवर सिलेबस, एंड दिस इज ए, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत पसंद है टीचरों को, या बार बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि आई एम एक्सप्लेन इट, इसको मैं कर चुका हूँ एक्सप्लेन, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी, अच्छा क्वेश्चन है। और एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ एफ है, तो चलिए इसकी ये फोकल लेंथ मान लेते हैं, ये एफ है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। अब हमारे पास, हमें मालूम है कि अगर आप सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सी पर बनेगा, और अगर आप इधर रखेंगे तो पहले बनेगा, और इधर रखेंगे तो सी के बाद बनेगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास कह रहे हैं कि एक रॉड है, उसकी लेंथ f/3 है, तो पहले एक रॉड बनाते हैं, सपोज छोटी सी रॉड बना लेते हैं, बहुत बड़ी रॉड नहीं बनाएंगे, ये मान लीजिए रॉड है, और इसको रखा गया है इस तरीके से कि इसकी इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड रियल इमेज है। तो मैग्नीफाइड रियल इमेज तब बनेगी जब रॉड हमारे पास
सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखी हो, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। या इसको यहां से बनाता हूं, ऐसे ये बनाता हूं। पूरा एफ तक नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसकी लेंथ एफ बाई थ्री है, तो रॉड का ए हिस्सा यहां पर है। सपोज ये ए था, ये बी था, और ये हिस्सा बी वाला है। अब वन एंड ऑफ इट्स मैग्निफाइड रियल इमेज टचेस दी वन एंड ऑफ दी रॉड, तो एक एंड तो यहीं पर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी, मैं बहुत ही धीरे धीरे इसको कर रहा हूं, ए की इमेज तो यहीं बनेगी और बी कुछ इधर बनेगी। तो ये ए डैश मान लिया, ये बी डैश मान लिया, ए को यहीं मानेंगे क्योंकि अगर एक एंड की इमेज आपस में टच कर रही है एक दूसरे को, तो वो वाला एंड यहीं पर होगा और बी इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि बी अगर इधर होगा तो ये मैग्नीफाइड इमेज नहीं होगी, ये बड़ी इमेज हो जाएगी। तो ये हमारे पास समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका तो मालूम ही है ए ए दोनों सी पर हैं। बी के लिए, फॉर बी, फॉर पॉइंट बी कितनी डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस तो एफ है और इसकी रॉड की लंबाई एफ बाई थ्री है, तो मैं बहुत ही आराम से कर रहा हूं। देखिए अगर आपको इस पॉइंट के लिए यू निकालना है तो आप टू एफ में से एफ बाई थ्री माइनस कर दीजिए, तो टू एफ में से मैंने एफ बाई थ्री माइनस कर दिया, एलसीएम हो गया थ्री और सिक्स एफ माइनस एफ यानी फाइव एफ, और आप जानते हैं ये साइन माइनस होगा क्योंकि इधर है। अब फॉर्मूला लगा के हम लोग इसके लिए वी निकालेंगे, यानी बी डैश की पोजीशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगाइए, वन अपॉन वी ये निकालना है, प्लस वन अपॉन यू, यू हम लिख चुके हैं, तो माइनस फाइव एफ और थ्री नीचे आएगा तो ऊपर चला गया, माइनस फाइव एफ बाई थ्री, थ्री ऊपर जाएगा और फोकल लेंथ रॉड की के मिरर की माइनस एफ है। अब पहले वी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वन अपॉन वी बराबर हो जाएगा माइनस वन अपॉन एफ और प्लस थ्री अपॉन फाइव एफ, और अब आप कैलकुलेशन आपको करना है, ये फाइव एफ हो गया तो ये फाइव हो गया, ये थ्री हो गया और ये माइनस है, तो वी बराबर हो जाएगा माइनस फाइव एफ बाई टू यानी माइनस टू पॉइंट फाइव एफ। अब वी कहाँ है, ये है वी, वी की इमेज ये है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आई है, ये वाली डिस्टेंस आई है माइनस टू पॉइंट फाइव एफ। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज, तो लेंथ ऑफ द इमेज कहाँ से है, लेंथ ऑफ द इमेज ये है, ये ए की इमेज है, ये बी की इमेज है, बाकी पॉइंट्स की बीच बीच में आएगी, ये वाली दूसरी डिस्टेंस 2.5 एफ के बराबर है, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस 2 एफ के बराबर है, तो लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.5 एफ और या एफ बाई टू। तो ये बेटा इसका आंसर है, सेकंड वाला आंसर इसका सही होगा। इस क्वेश्चन को करने में तीन चीजें हमें देखनी है, नंबर वन इमेज रॉड की जिस एंड की इमेज उसको टच करेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहेगी, क्योंकि रियल मैग्नीफाइड इमेज है तो रॉड सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरा एंड इस तरफ होगा, अगर बी इधर होगा तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, फिर इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ से छोटी आएगी, वो मैग्नीफाइड नहीं होगी। और फिर हमने जिस तरीके से इस बी के कोऑर्ड के लिए यू निकाला, उसके लिए बी निकाला, फिर उन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये लेंथ निकल आएगी। वन थिंग मोर, इसमें आपसे एक चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, वो ये है
कि अगर ये मेरे पास ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कुछ टीचर्स फार्मूला बनाते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। एक तो लेटरल मैग्निफिकेशन बताते हैं कि इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, कुछ लोग इसको एच टू अपॉन एच वन भी लिखते हैं, ये होता है माइनस वी अपॉन यू। और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बताते हैं, ये लिखते हैं एल टू अपॉन एल वन इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको डिराइव किया जाता है, बट दिस इज वैलिड ओनली व्हेन दिस साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल। कितनी स्मॉल, किसकी कंपेरिजन में स्मॉल, स्मॉल तो रिलेटिव टर्म है ना। तो जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लंबाई 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर हो, यानी द लेंथ दिस स्प्रेड अलोंग द एक्सिस मस्ट बी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ मिरर, दैट मींस फोकल लेंथ। यहां पे ये फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही नियरेस्ट नहीं है, और लेंथ रॉड की एफ बाई थ्री थी, दैट इज 1/3 अबाउट 34% ऑफ द फोकल लेंथ, तो इसकी लंबाई इस फॉर्मूले को लगाने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग रखा हो, इफ इट इज वेरी स्मॉल देन यू कैन यूज दिस रिजल्ट, अदरवाइज आपको दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट निकाल के उनका डिफरेंस हमें लेंथ बताता है इमेज का। तो ये मेरे फाइनल वर्ड्स थे इसके साथ, और इसीलिए हम लोगों ने यो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाया और दोनों एंड की इमेज हमने निकाली उसके, और फिर दोनों के वी को माइनस किया। तो एक की तो हमें निकालनी ही नहीं पड़ी क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, एक ही की निकाली। अगर ये वाली रॉड कहीं और रखी जाती तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती, तब आप ए की भी इमेज निकालते, बी की भी इमेज निकालते, और उनके बीच का जो डिफरेंस होता वो उस इमेज की लेंथ मानी जाती। तो अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को काफ़ी टाइम दे दिया, और ये जो रिजल्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है। फार्मूला आप जानते ही हैं, अगर किसी पार्टिकल को वी वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया जाए तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आप लोग जानते हैं ना, लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन पी, और पी को लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 KM, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी। और अगर चार्ज पार्टिकल है और उसको हमने वी वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है EQ इंटू वी। तो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 2 K की जगह रख देंगे Q इंटू वी और M। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पार्टिकल है एक्सेलरेट किया गया है 150 वोल्ट से, तो कुछ चार्ज होगा, दैट इज नॉट गिवन हियर, तो वो तो यहाँ दिया नहीं है। वेवलेंथ दे रखी है, सेम पार्टिकल है मतलब चार्ज वही है, मास वही है, और उसको 600 वोल्ट से करें तो वेवलेंथ कितनी होगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल फिंगर टिप्स पे है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 अंडर रूट। तो लैम्डा 1 कितना दिया है, 10^-10, लैम्डा 2 हमें निकालना है, और v2 कितना दिया है 600, और v1 कितना दिया है 150। कट भी बहुत अच्छी तरीके से जाएगा, 4 आएगा, तो लैम्डा 2 बराबर 1/2 × 10^-10, 1/2 होता है 10^-10, तो लिख सकते हैं 5 × 10^-11। और या फिर ये 10^-10 एंगस्ट्रॉम होता है तो 0.5 एंगस्ट्रॉम लिख दीजिए, आंसर दिया गया है, तो सेकंड वाला आंसर ये हो जाएगा। मिला लीजिए भाई, देखिए सही है कि नहीं, मैं छोड़ देता हूँ जगह, बोर्ड देख लीजिए, बोर्ड देखना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी शक्ल तो आप हर वीडियो में देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और चलो इसको लगा के बताओ जरा सब लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताओ पहले। अब यहाँ पे हम लाइव तो है नहीं, बट मैं बिलीव करता हूँ आप लोग अच्छे बच्चे हो, फॉर्मूला लगाओगे, पास करोगे, वीडियो आंसर बताओगे। और ये थिन प्रिज्म है ना, तो डेविएशन क्या होता है? डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए होता है एन माइनस वन इंटू एरिया, एरिया नहीं है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो डेविएशन है 3 डिग्री और एन निकालना है और एंगल है 6 डिग्री। तो एन माइनस वन बराबर 0.5, 3/6 0.5 होता है, तो एन बराबर 1.5। तो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, आंसर नंबर 2। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 32 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और बहुत ही इसमें कुछ नहीं करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है। तो दिस इज सपोज एमिटर प्लेट एंड एक्सपोज्ड बाय सम लाइट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है और डिस्टेंस 1 मीटर की रखी गई है। तो इस पर कुछ लाइट पड़ेगी, कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, फिर निकलेगी, कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट। कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? ई वी नॉट बराबर होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट सोर्स को उठाया और 2 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, कहा यहां से लाइट फेंको, तो डिस्टेंस बढ़ गई। तो क्या न्यू बदला? नहीं, सोर्स वही है तो न्यू वही रहेगा। क्या फाई बदला? नहीं, मेटल भी वही है तो फाई भी वही रहेगा, तो कट ऑफ वोल्टेज भी वही रहेगा, जो पहले था वही था। तो दूर रखने से क्या कुछ नहीं होगा? होगा, क्या होगा? अगर इसकी इंटेंसिटी आई है और ये पॉइंट सोर्स है, तो यहां पे इंटेंसिटी आई अपॉन 1 स्क्वायर थी पहले, पहले ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। और अगर ये लाइट सोर्स यहां पहुंच गया है तो आई अपॉन 2 स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी पहले की 1/4 हो गई है, तो 1/4 फोटॉन इस पर पड़ेंगे, तो सैचुरेशन करंट 1/4 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज के बदले में सैचुरेशन करंट पूछते, तो लाइट की इंटेंसिटी इसमें पहले की कंपैरिजन में 1/4 हो गई है, तो सैचुरेशन करंट 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन तब ऐसे बनता कि अगर सर्चुरेशन करंट आई नॉट है तो अब कितनी होगी, तो अब आई नॉट बाई 4 हो जाएगी। बट एज फार एज कट ऑफ वोल्टेज इज कंसीडर्ड, तो सोर्स वही, मटेरियल वही, तो न्यू वही, फाई वही, तो कट ऑफ वोल्टेज या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये सब वही रहेगी। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड। और ये प्रोजेक्शन है 3i + j + 2k ऑन दी एक्स वाई प्लेन हैज मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कायदे से बताई जाए। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और ये मान लीजिए हमारे पास सम वाई एक्सिस है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। या ऐसा करते हैं, हम एक डब्बा बना लेते हैं, और ये कोई वेक्टर है, ये दिस इज वेक्टर 3i + j + 2k। तो हम ऐसा करते हैं कि ये डब्बा बना लेते हैं, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये अब आप एक्सिस दे दीजिए, देखिए इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है, ये 3i है, दिस इज 3i। y कंपोनेंट है j, और k कंपोनेंट है 2k।
तो ये वेक्टर कैसा बना बेटा? वेक्टर ये वाला बना ऐसे, इधर थ्री चले, इधर जे चले, इधर टू के चले। अब ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। अब इसका अगर प्रोजेक्शन डालना है तो टिप से यहां डाल दो तो ये पड़ेगा और प्रोजेक्शन वेक्टर ये रहा, ये प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है। तो ये जो है ये यहां पे आ गया, लेकिन ये तो 3i प्लस j ही रहा। तो इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन 3i प्लस j होगा और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन आरपी वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन ये 3i प्लस j है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 10। फोर्थ इज द आंसर। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था ये। और कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड प्लेन? तो नाउ इट इज, अगर आप ये फिगर को समझ गए हैं तो आपके लिए ये लेफ्ट हैंड जॉब है। अगर एक्स वाई प्रोजेक्शन ये था तो वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्शन ये होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 5। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन? तो दैट इज 3i प्लस 2k। यानी अगर आपको एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन निकालना है तो सिंपली कंसीडर इट्स एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट वेक्टर्स। तो ये मैंने आपको जल्दी से वहां करने का तरीका भी बता दिया है, कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर, इसलिए मैंने फिगर बना के भी समझाया है। नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। मोनोएटॉमिक गैस है, हीट सप्लाई की जा रही है क्यू और प्रेशर कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब है क्यू बराबर लेट नंबर ऑफ मोल्स इज एन, और मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस की सीवी होती है 3/2 r, और सीपी के लिए r जोड़ेंगे तो वो होती है 5/2 r। और सपोज टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा टी, ओके। वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? तो ये होता है n r डेल्टा टी। गैस के लिए सब लोग जानते हैं P V2 - V1 होता है, और गैस इक्वेशन से P V1 = nRT1 और P V2 = nRT2। तो P V2 - V1 = nRT2 - T1, तो डेल्टा टी। तो ये फार्मूला भी होता है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो W/Q, तो nR और डेल्टा टी कट गया, तो W के साथ तो कुछ नहीं है, नीचे 5 है और ये 2 है, तो W = 2/5 Q। यस, थर्ड आंसर इसका है, कैन यू टेल मी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस? यस, Q - W कर देंगे तो Q - W = Q - 2/5 Q, दैट इज 3/5 Q। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट क्वेश्चन स्टोरी यहाँ खत्म है। यहाँ पर सिर्फ वर्क डन पूछा था, वो हमने निकाल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये फिर एक थर्मोडायनेमिक्स का बढ़िया सा क्वेश्चन है, ग्राफ का है और पीवी ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका वर्गडन पूछा है, तो एरिया हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आइडियल गैस टेकन द साइकिल ABC to A, तो ये साइकिल दी गई है A से B, B से C, C से A, फिगर में दी गई है। नेट हीट सप्लाई टू द गैस इन साइकिल इज 10 जूल, तो इस नेट हीट जो है वो है 10 जूल, वर्गडन बाय द गैस इन द प्रोसेस C to A is। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आपको C to A वाला निकालना है, तो यानी अगर एरिया निकालना चाहे तो ये वाला निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे।
अब ये कैसे निकालेंगे बताते हैं, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। पहले प्रोसेस ए बी के लिए थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन निकालते हैं, तो हम लिखेंगे क्यू ए बी माइनस डब्ल्यू ए बी, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये जीरो है, बराबर यू बी माइनस यू ए। अब हम इस प्रोसेस के लिए लिखेंगे क्यू बी सी माइनस डब्ल्यू, लिख लेते हैं इसको, और ये वाला डब्ल्यू लिखा जा सकता है क्योंकि हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है। दिस प्रेशर इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 3, 5 × 3 15 आ गया। तो मैं इस डब्ल्यू की जगह फिफ्टीन लिख देता हूं, और ये हो जाएगा यू सी माइनस यू ए। अब मैं प्रोसेस सी ए के लिए लिखता हूं क्यू सी ए माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू ए माइनस यू सी, और ध्यान रखिए कि यही वाला जो इंटर वर्क डन है मैं कैलकुलेट करना है। इन सबको जोड़ दीजिए तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा जीरो, और इन सबको जोड़ेंगे तो नेट हीट सप्लाइड है 10 और माइनस 15 माइनस डब्ल्यू, ये तो जीरो ही है, तो माइनस 15 माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 5 जूल आ जाएगा। ये आंसर थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन आपका भी आ गया होगा। इसको करने का एक तरीका और भी है, किसी तरीके से ये प्रेशर अगर आप निकाल सकें तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के भी आप कर सकते हैं, बट दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, ये ज़्यादा इजी है। वैसे क्यों किया जाए, थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करना अगर कोई चाहता है बच्चा, तो वो दूसरे तरीके से भी ट्राई कर सकता है। ये वाला प्रोसेस से ये इस ऐसे जा रहा है, तो दिस इज बेसिकली ये पीवी का बीच का ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यू कैन फाइंड प्रेशर एट हियर एंड देन टेक एरिया ऑफ दिस येलो लाइंड एरिया, बट डेफिनेटली ये प्रोसेस लंबा है, साइक्लिक प्रोसेस का यूज करिए और ये जल्दी आ जाएगा। फिर इसके बाद एक ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे इस बार आने वाला है, जो आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है जहाँ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, तो उसकी लास्ट बट वन ये वाला क्वेश्चन भी है। थीम ये है कि ये कोई डिस्क, अब वो चाहे कोई व्हील हो, रोटेटिंग व्हील हो, या कोई बचपन जो झूला झूलते हैं उस टाइप का ऐसे झूला झूलने वाला हो, या ग्रामोफोन का रिकॉर्ड हो, ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और यहाँ पर एक हम रख देते हैं कोई पार्टिकल, तो इस पार्टिकल का वेट एम जी नीचे लगेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा, और अगर ये साथ घूमना चाहता है तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो सपोज ये आर रेडियस है और ये ओमेगा है, व्हील ओमेगा से घूम रही है, और क्वाइन यहाँ से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो हाउ मच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ का प्रेजेंट फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड करेगा, तो कब प्रोवाइड करेगा हमें मालूम है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू एम जी होगा, तो हमारे पास दिस मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू एम जी होना चाहिए। अगर आपने आर ज्यादा ले लिया या बहुत तेज इसको घुमा दिया और इसकी वैल्यू म्यू एम जी से एक्सीड कर गई, तो जितना इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो फ्रिक्शन नहीं दे पाएगा,
और ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये इस क्वेश्चन की थीम है। अब ये कहते हैं कि अगर 50 आरएमपी पे घुमा रहे हैं और पहले रखा गया था कहीं पे ये 45 आरएमपी था, आरएमपी मींस रोटेशंस रिवॉल्यूशंस पर मिनट, और वहीं रखा हुआ है, लेकिन ऐसे एक नहीं दो क्वाइन है ओवर दी अदर दी सेम रिकॉर्ड, तो बोथ ऑफ देम विल फ्लाई अवे व्हेन दी रोटेशन स्पीड इज। तो यानी यहाँ पे तो को एम से एम तो कट गया है, यानी कंडीशन ये है कि आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू जी। तो अगर पर्टिकुलर आर पर किसी पर्टिकुलर व्हील पे जिसके लिए म्यू फिक्स है ये 50 पर भागता है, तो अगर हम मान लीजिए इसको आगे पीछे कर देते तो ओमेगा बदलती, लेकिन हमने तो वही रखा है, बस मास डबल कर दिया है तो मास तो कट जाएगा, तो इसलिए अभी भी ये 50 आरपीएम पर ही भागेगा। तो यहाँ एक नहीं दो कॉइन, एक उसके ऊपर और तीन कॉइन रख दीजिए या m के बदले में 2m रख दीजिए, बट इफ म्यू एंड r आर नॉट चेंजिंग तो तब भी वो उसी स्पीड तक सरवाइव करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें r पूछा है, लेकिन इसमें ये डिफरेंट क्वेश्चन है। आर्गन पाइप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट मोमेंट चल रहा है तो हम आपको बताते चल रहे हैं। ऐसा कोई भी ईयर नहीं हुआ है जिस साल पाइप पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग टॉपिक है ये। तो एयर आर्गन पाइप है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 320 है 47 हर्ट्ज डिग्री सेल्सियस पर, तो 27 डिग्री पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मेरे पास, अगर ये क्लोज आर्गन पाइप है तो वी अपॉन, अगर ओपन है तो वी अपॉन 2L और अगर क्लोज है तो वी अपॉन 4L। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NO फॉर ओपन पाइप के लिए है और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप के लिए है। लेकिन यहाँ ओपन और क्लोज का कोई मतलब ही नहीं है, पाइप वही है, हम क्या बदल रहे हैं, हम लोग बदल रहे हैं चाहे ये लो चाहे ये लो, हम लोग बदल रहे हैं टेम्परेचर। तो ये साउंड की वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ बदलेगी। तो यहां का फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर 1/, अगर ओपन है तो 2, क्लोज है तो 4, तो ये समथिंग एल, और वी की जगह रख देंगे अंडर रूट गामा आरटी बाई एम। तो N1/N2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2। पहले टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसी दी है, दूसरे पर पूछी है, क्योंकि बाकी चीजें तो अगर पाइप वही है तो 2L होगा तो 2L कट जाएगा, अगर 4L होगा तो 4L कट जाएगा, गामा कट जाएगा, R कट जाएगा, M कट जाएगा। तो 320/N इज इक्वल टू अंडर रूट और 47, तो 273 + 47/273 + 27। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो जरा कैलकुलेट करो, तुम लोग भी मेहनत करो, तुम्हें भी करना चाहिए। ये जब कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आएगा 3 7 3 10 और 7 4 11, ये 320 आ रहा है, 27, हाँ 320 आ रहा है और ये 300 आ रहा है, तो ये कट भी गया। तो 320/N बराबर अंडर रूट 320/300, तो काट दीजिए, ये इससे पूरा कट जाएगा, अंडर रूट यहाँ आ जाएगा, तो
तो एन बराबर आ जाएगा अंडर रूट 300 इंटू 320। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 या 6 और 3 3 या 9, 96,000 आ रहा है। अब आपको इसको स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे, तो स्क्वायर रूट मैंने लेके दिखाया था, अब तो आप ले ही लेंगे। ये 310 हर्ट्ज आ रहा है, ये 310 आ रहा है, और यही नियरेस्ट है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर रूट लेना आपको आना चाहिए, आपको नहीं आता है तो दिक्कत है। ये 1000 है, इसको आप तोड़िए, 96 है, 96 होता है 12 × 8, और ये होता है, बहुत तरीके से होता है, 6 × 2, इसको 4 × 3 करके आ जाएगा, तो लगभग 310 हट जाता है कैलकुलेट करके। और आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। अब ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये हमारे पास पोल्स हैं और बीच में एक वॉच ग्लास रखी है और इसमें कुछ मटेरियल रखा हुआ है, और जब ये पोल्स के पास में लाया गया तो हाईली कॉनकेव, डीप कॉनकेविटी, मतलब ये ऐसे बन गया है, मतलब ये काफी नीचे चला गया है। तो आप सोचिए कि क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं डाया पैरा फेरो, तो इनकी एक प्रॉपर्टी है कि डाया मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर भागता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल रख दीजिए, तो जिस तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस तरफ भागेगा, जबकि पैरा मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग की ओर भागता है, फेरोमैग्नेटिक भी स्ट्रॉन्ग की ओर भागता है, लेकिन ये ज्यादा भागता है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक की मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है। तो अगर ये वॉच ग्लास अगर भरी होती और ये डायमैग्नेटिक होता, तो इधर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर वीक फील्ड है, तो ये इधर भागता, तो ये बीच में पीक आ जाता और इधर खाली हो जाता, तो ये डायमैग्नेटिक तो नहीं है। अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग की तरफ भागेगा, तो बीच में कुछ कॉनकेविटी आएगी, और चूंकि डीप कॉनकेविटी भी है, मतलब ये काफी ज्यादा इधर भागा है, दैट मीन्स ये फेरोमैग्नेटिक है। अब क्रोमियम कार्बन वुड में ये तो नॉन मैग्नेटिक है, आयरन फेरोमैग्नेटिक है, तो दिस वन इज द आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, टोटल लॉजिकली क्वेश्चन था, लॉजिक। और यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ लो, द एमीटर रीडिंग इन द फॉलोइंग सर्किट विल बी, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, इसका हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये 2 ओम है और ये 2 वोल्ट की इस बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और यहीं पे एमीटर लगा है, मतलब मुझे यही वाली करंट निकालनी है, और ये कनेक्शन 6 और 6 और ये 6 जो है, तो ये तीनों पैरेलल में है, तो आंसर ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, मतलब इस 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम इसके साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया। अब आप करंट निकाल लीजिए, इस आई की वैल्यू ही मीटर की रीडिंग है, तो आई बराबर, ये गंदा पेन ले लिया, थोड़ा फ्लोरोसेंट ले, आई बराबर EMF 2 वोल्ट और 4 2 और 2 4, तो 1/2 एम्पियर की इसकी रीडिंग आ गई। मिलाइए अपना आंसर, देखिए सही है कि नहीं, सही होगा, कल सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद इधर आइए, ये भी सर्किट का क्वेश्चन है और थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि वैल्यू ऑफ VA माइनस VC निकालनी है, और जरा हम करंट्स वगैरह को देख लें, तो पहले हम लोग करंट्स को देखते हैं। देखिए इधर से 2 एम्पियर की करंट आई और इधर से 3 एम्पियर की करंट गई, तो 2 इनकमिंग है इस पॉइंट पे, 2 इनकमिंग है, 3 इनकमिंग है, तो ये दोनों मिल के इस ब्रांच में
ये 5 एम्पियर की करंट आ जाएगी। अब इधर 7 गई हुई है, 7 आउट गोइंग है, 5 इनकमिंग है, तो इधर ये 2 एम्पियर की करंट ऐसे जाएगी। तो पहले तो मैंने पिंक कलर से करंट लिख ली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, VA माइनस VC, तो A से स्टार्ट करेंगे, C तक जाएंगे, तो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, ऐसे जाएंगे A से C तक और किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ हम लोग ओपन सर्किट में लगाते हैं, लगा सकते हैं। देखिए यहां लिखिए VA, अब इधर जाइए अपने पाथ की तरफ जाइए और देखिए क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। तो देखिए हमारे पास करंट इधर से आ रही है, मतलब आपके जाने की डायरेक्शन इधर है और करंट इधर से आ रही है, तो मतलब यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ कम है। जैसे करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो इधर हायर पोटेंशियल होगा इधर लोअर वाला होगा। तो साइन क्या होता है कि लोअर के लिए माइनस होता है और हायर के लिए प्लस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो करंट है 7 और ये प्लस हो जाएगा 7 × 2 और फिर ये हायर है तो ये प्लस 3 हो जाएगा, फिर ये हायर है तो प्लस 5 हो जाएगा और ये करंट भी मेरे पास इधर आ रही है तो फिर आ जाएगा ये प्लस 5 × 4, ये 4 है, ये फिर हायर है तो ये प्लस 4 हो गया और यहां पे फिर आएंगे ये फिर करंट ऊपर से जा रही है तो प्लस 3 × 10 बराबर VC। अब तुम्हें चाहिए VA माइनस VC, तो VA माइनस VC, VC को इधर ले आओ, ये C है, सॉरी ये C है, यहाँ C था और जोड़ लो ये 7 × 2 = 17 17 × 5 = 22 42 42 × 4 = 46 + 30 = 76, तो -76, तो -76 वोल्ट का ये VA माइनस VC है। अगर VC माइनस VA पूछता तो +76 वोल्ट का होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा है और किरचॉफ्स लॉ का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। देखिए ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम, तो चार्ज दिया है, मास दिया है, सर्किल में घूम रहा है, रेडियस दी है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, तो तुम्हें क्यू दिया है, मास दिया है और रेडियस भी सर्किल की दी है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी गई है, तो क्या नहीं दिया गया भाई। व्हेन द पार्टिकल इज एट ए पॉइंट पी ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन सो दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द टेंजेंट विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज। बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे पार्टिकल यहां पर है तो ऐसे आ रहा था तो ये भाग गया ऐसे। अब पार्टिकल टेंजेंशियली कब भागेगा, अगर ये घूम रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था, तो mv² / r बराबर मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, ये दिया हुआ है और ये फोर्स इस तरफ था। अब हम चाहते हैं कि ये यहां से अगर ये लगा रहेगा तब तो ये सर्किल पे ही चलेगा, लेकिन ये भाग जाए तो यानी एट दिस पोजीशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड अप्लाई ए फोर्स जस्ट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐसे भाग जाएगा। तो मेरे पास यही वाला जो फोर्स है यही क्यू ई के बराबर भी होगा, तो ये इसका क्लू है। अब आपको सब कुछ दिया है,
आपको मास भी दिया है, वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, रेडियस भी दी गई है। तो यही हम लगाएंगे, क्यू वी बी बराबर ये, तो ये वी से वी एक कट गया। तो पहले आप v निकाल लीजिए और फिर उसको qv के बराबर रख दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से निकाल के बताओ, समझ गए होगे, दो बार फॉर्मूलों का एप्लीकेशन है ये। और चाहो तो यहां से आप इसको मैच भी करा सकते हो आसानी से। तो जब इसको निकालोगे तो आंसर 10 वोल्ट पर मीटर आएगा, ये थर्ड आंसर है। निकाल के देख लो, सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हें क्यू दिया हुआ है, तुम्हें मास दिया हुआ है, तुम्हें रेडियस भी दी गई है, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड भी दी गई है। तो आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, तो आर रख दो, एम रख दो, क्यू रख दो, बी रख दो, तुम्हें वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद क्यू वी बी, क्यू तो दिया ही हुआ था, वी भी दिया हुआ था, बी भी दिया था, और ये क्यू ई भी आ जाएगा। तो क्यू से क्यू कट गया, तो मेरे पास वी बराबर हो जाएगा ई अपॉन बी। बहुत ही जाना पहचाना रिजल्ट है, कई जगह यूज होता है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो हमेशा v बराबर e अपॉन b होता है, इसको आप याद रखिए। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 42। मैंने कैलकुलेशन भले ही नहीं किया है, बट आई होप कि आप ये वैल्यू रख करके, सब तो दिया हुआ है, पहले v निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले से आप आगे भी इसको सॉल्व कर लेंगे। ये रटा हुआ क्वेश्चन है, ये v और q के बीच का ग्राफ है। तो अगर हम इस एरिया को निकालें तो देखो हाफ, और ये है बेस, ये है हाइट, और चार्ज की जगह रख दें cv, तो हाफ cv स्क्वायर। तो ये है एनर्जी, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बताएगा ये, और डेरिवेशन भी पहले इसी तरीके से करते थे, आजकल तो लोग कैलकुलेशन से करने लगे हैं। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फिर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो अंडर रूट 3 RT बाई एम है, ये मोलर मास है। अब ऑक्सीजन की दी गई है, हाइड्रोजन की पूछी गई है, तो ऑक्सीजन की दी गई है 10.5, हाइड्रोजन की मान लो एक्स है, और डिवाइड करोगे तो टेम्परेचर तो वही है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास ऊपर आएगा और ऑक्सीजन का मोलर मास नीचे आएगा। तो ये 1/16 और ये 1/16 का स्क्वायर रूट 4, तो एक्स बराबर 10.5 × 4, तो ये 42 किलोमीटर/सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगी, थर्ड ऑप्शन है। यूनिट पर फर्क मत करिएगा, अगर आप सब वैल्यू रखेंगे तो यूनिट कट जाएंगी। और ये 45 भी बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हमें मालूम है ई वेक्टर बराबर होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स जे और प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे और डेल जेड के, ये ग्रेडियंट ऑपरेटर है, और चूंकि इसमें वाई और जेड है नहीं तो डेल वाई डेल जेड वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, इसको छोड़ दिया। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 10 एक्स स्क्वायर
प्लस 8x प्लस 2 और माइनस माइनस 20x प्लस 8। तो ओपन कर दीजिए 20x माइनस 8, इलेक्ट्रिक फील्ड x बराबर 1 पे चाहिए तो 20 माइनस 8 यानी 16 आई, आई कैप लिखना भूल गए थे तो यहाँ आई लिख दीजिए, यहाँ आई लिख दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की होगी, 16 की होगी, सॉरी नहीं ओ सॉरी 20 माइनस 8 12 आई होगी, तो 12 वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन पूछता तो प्लस एक्स डायरेक्शन है, हमने डायरेक्शन भी निकाल दी। इसके बाद फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खाली एक फंडा इसमें लिया जाएगा। ये बीम ऑफ लाइट पार्टिकल ऐसे एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और किसी भी जगह इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 600 है और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स होता है किसी भी जगह पे क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर ये ई और बी कांस्टेंट हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बदल रहे हैं तो मैक्सिमम तब होगा जब ई मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स तब होगा जब बी मैक्सिमम होगा। अब आपको मालूम है कि अगर पार्टिकल चल रहा है अलोंग वाई एक्सिस, पार्टिकल चल रहा है अलोंग वाई एक्सिस, तो चार्ज कितना है 2e और पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 × 10⁻⁷ और ये जे कैप है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी आएगी, अगर वेव प्लस एक्स में चल रही है तो हमें मालूम है कि ई कैप क्रॉस बी कैप बराबर वी कैप होता है, तो ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो डेफिनेटली ये के कैप होगा, तभी तो जे क्रॉस के बराबर आई आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ई बाई सी, तो 600/c के कैप। बस अब कुछ आपको बचा नहीं है, आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट करिए। ई की वैल्यू दी गई है तो 2 × 1.6 ये 3.2 × 10⁻¹⁹ आएगा और ये 2 एक और आएगा, ये 10⁻⁷ आएगा और जे क्रॉस के तो आई जाएगा, आई फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा और ये 600/3 × 10⁸ रखिए। अब बस आपको इन सबको कैलकुलेट करना है और देख के बताइए कि आंसर क्या आएगा, कोई आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कैलकुलेट करने का काम हम सब आप पे छोड़ देते हैं, कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से, पॉज कर लीजिए और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 12.8 × 10⁻¹⁸ न्यूटन आ रहा है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये प्लस 7 था, सॉरी ये प्लस 7 था और ये 10⁸ है तो काट सकते हैं, ये 3 है तो इसको 200 कर लीजिए और ये 7 है, ये 8 है तो ये माइनस 1 हुआ, ये 2 गया तो 10⁻¹⁸ तो ये आ गया और ये 2 × 2 = 4 और 4 × 3.2 तो 12.8 आ गया। तो आंसर एकदम परफेक्ट है, क्वेश्चन भी सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि दो कंसेप्ट का मिक्सचर किया गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको मैक्सिमम बी निकालनी थी और फिर मैग्नेटिक वाले फोर्स से इसको हमें कैलकुलेट करना था कि
फोर्स कितना लगेगा, ये आप समझ गए होंगे। ये पता नहीं क्यों बार बार गलत हो जाता है, ये हमें एस्केप स्पीड निकालनी है। और अगर एस्केप स्पीड निकालनी है तो सरफेस ऑफ ए प्लैनेट इज वी ई है, और मान लीजिए ये प्लैनेट का मास एम है और रेडियस आर है। प्लैनेट श्रिंक कर गया और रेडियस 1/4 हो गई, तो नई वाली स्पीड कितनी हो जाएगी? श्रिंक करने पे मास नहीं चेंज होगा, खाली रेडियस 1/4 हो जाएगी। तो 4 ऊपर जाएगा, रूट में है, तो 2VE इसका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज करेक्शन करा दिया गया है पेपर में, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर फर्स्ट होगा 47 का। और फिर एक क्वेश्चन है, ये भी कठिन नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है। 1 meter लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू वन एंड। तो ये सब दिया गया है, 1 meter लॉन्ग रॉड है और ये वन एंड से ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट ये घूम रही है, ओमेगा इज 400 रेडियन पर सेकेंड इन प्रॉपर यूनिट। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कॉन्टेक्ट विद ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग, तो इसको किसी मेटेलिक रिंग से आप ऐसे अटैच कर देंगे तो ये एंड हमेशा इसी के बीच में कहीं ना कहीं चलेगा। तो वट एवर बी द मोशनल EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड्स दैट सर्कुलेट टू द रिंग ऑल्सो, ए कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 Tesla पैरेलल टू एग्जिस्ट एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, क्रॉस में मान लीजिए, तो फाइंड EMF। तो ये कुल मिला के क्वेश्चन वही है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, रॉड इसके परपेंडिकुलर प्लेन में घूम रही है, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो हाफ और बी दिया गया है 0.5 यानी 1/2, ओमेगा है 400 और ये है 1 का स्क्वायर, तो 100 वोल्ट का EMF आ जाएगा। तो लैंग्वेज बहुत बड़ी, क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, अगर आपने पहचान लिया। और ये हमारे पास एक GK का क्वेश्चन है कि प्लैनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो कहते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये पता करना है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी होती है ये हमेशा आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और ये आपको और इलेप्टिकल ऑर्बिट में बताया गया होगा। तो यह फर्स्ट वाला आंसर 49 का होगा। तो ये 49 का आंसर फर्स्ट होगा और इसमें कुछ समझाना नहीं है ज़्यादा। और ये एक इजी असर्शन रिजल्ट है, ये तो सही है, स्ट्रेन होती है डिफॉर्मेशन अपॉन लेंथ, तो स्ट्रेस ये डायमेंशनलेस है, और लेकिन स्ट्रेन इक्विवेलेंट टू फोर्स नहीं है, ये गलत है। तो assertion is correct, reason is correct. Generally assertion region में problem होती है, लेकिन इस बार का assertion region आपका काफ़ी easy था। तो ये था आज का paper, analyze करिएगा, बताइएगा। इस paper में अगर आपके 150 तक आ रहे हैं तो आपका score बहुत अच्छा है, और अगर 125 तक आ रहे हैं तो भी आप अच्छे हैं physics में, बिल्कुल मत घबराइए और जुटे रहिए, नीट को फोड़ दीजिए। पूरे न्यू लाइट टीम आपके साथ है, सिंसर का आशीर्वाद आपके साथ है, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। मैं चलते चलते आई वुड लाइक टू थैंक न्यू लाइट टीम एंड स्पेशली टू सिंसर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स एंड द टीचर फॉर ए ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो बच्चों जय हिंद, अगले सेशन में मिलते हैं।